हाई फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल मिशन मैथमेटिक्स टूडे इन दिस वीडियो वी हैव टू सी सॉल्यूशन फुल सोल्यूशन ऑफ एन सी आर टी एक्सरसाइज नंबर फोर पॉइंट वन अब इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ टू माइनस फाइव फोर एंड माइनस वन अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो ये क्या है क्या बताया था कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है तो ये माइनस टू और ये प्लस ट्वेंटी तो ये हो जाएगा एटीन एटीन इज द राइट आंसर अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे पास ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा फिर ये थीटा। तो अब इसमें क्या है इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये थीटा और फिर ये थीटा ये माइनस और माइनस फॉर्मूले वाला तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होती है वन होती है तो ये अपना वन इज द राइट आंसर अब क्या ये तो वन था अब ये टू का क्वेश्चन नंबर टू है क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और फिर ये एक्स माइनस वन फिर ये एक्स प्लस वन ये एक्स प्लस वन तो अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसका किसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इसका इसका माइनस इसका और इसका तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस वन इसका होगा सॉल्यूशन तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और फिर ये वन हो गया क्या हो गया ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ये इसको तोड़ देना है तो अब यहाँ से एक्स क्यूब मतलब पावर थ्री वाला देखेंगे तो ये कोई नहीं है तो एक्स क्यूब लिख दिया और फिर यहाँ पर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा फिर ये एक एक्स कैंसिल हो गया तो अब क्या है अपने पास क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर तो हो गया लिख दिया और फिर ये प्लस टू तो ये अपना ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज द राइट आंसर अब यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री है अपने पास क्या ये बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉरी मैट्रिक्स ऑफ वन फोर थ्री ए टू टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ देन शो दैट क्या शो करना है टू ए इज इक्वल टू फोर ऑफ डिटर्मिनेंट है अब यहाँ पे हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है और फिर ये क्या बोल रहा है कि इसका शो करो तो इसमें क्या करेंगे इसमें एल एच लेंगे अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ टू तो अब ये टू का डिटर्मिनेंट अब इसका डिटर्मिनेंट है और टू है यहां पे तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है अगर ये दो से मल्टीप्लाई करे तो वो सभी एलिमेंट में क्या होता है रो में भी कॉलम में भी Uh, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है तो ये टू इंटू क्या होगा वन तो ये फोर हो जाएगा और फिर ये टू इंटू फोर तो क्या होगा अपने पास एट हो जाएगा फिर ये टू इंटू टू तो ये फोर टू इंटू टू फोर अब इसका मैट्रिक्स निकालेंगे ये डिटर्मिनेट की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये एट माइनस थर्टी टू तो ये अपने पास क्या आ गया ये माइनस ट्वेंटी फोर आ गया ये आया एल एच एस अब क्या है आर एस एस लेते हैं आर एस एस क्या है अपने पास ये बोल रहा है फोर ऑफ डिटर्मिनेंट ए अब यहां फोर है और डिटर्मिनेंट इसका निकालना है वन फोर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिख देनी है यहां पे. तो, ये two, two. तो अब यहां पे फोर तो एज इट इज रहने देंगे और फिर ये टू माइनस एट टू माइनस एट और ये फोर इंटू क्या आ गया माइनस सिक्स तो ये भी आ गया माइनस ट्वेंटी फोर तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस क्या है यहां पे लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हस प्रूवड अब ये क्वेश्चन नंबर फोर भी अपने पास प्रूव करने के लिए दिया है इफ ए इज इक्वल टू ऑफ़ वन जीरो जीरो फिर ये ज़ीरो वन जीरो फिर ये वन टू फोर और फिर क्या बोल रहे हैं सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री ए इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ऑफ ए ये हमको प्रूफ करना है तो अब इसमें क्या करेंगे इसमें भी एल एच एस लेंगे एल एच एस क्या है अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री ए तो अब इसमें क्या करना है थ्री से पूरा मल्टीप्लाई कर देना तो ये थ्री जीरो जीरो ये जीरो थ्री जीरो फिर ये वन सॉरी uh, ये भी थ्री और फिर ये सिक्स और ये ट्वेल्व हो जाएगा अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे डिटर्मिनेंट क्या करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम क्या बताया था कि जिस भी एलिमेंट में ये जिस भी रो या कॉलम में ज्यादा जीरो हो उसी के अलोंग उसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ ये फर्स्ट कॉलम में क्या है दो एलिमेंट जीरो है और अपने पास थ्री है तो ये क्या करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे किसी भी कॉलम या रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो सबकी वैल्यू सेम आने वाली है तो अपन यहाँ पर भी ये फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्री लिखेंगे और फिर आ, ये क्या है माइनस तो ये सॉरी प्लस थर्टी सिक्स आ जाएगा ये वन हंड्रेड एट आ गया अब आर एच एस लेते हैं अपन आर एच एस क्या है ट्वेंटी सेवन ऑफ डिटर्मिनेंट ए तो ट्वेंटी सेवन ऑफ डिटमेंट ए तो ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे वन जीरो जीरो फिर ये जीरो वन जीरो वन टू फोर और ये ट्वेंटी सेवन इंटू अब क्या करेंगे यहाँ भी वन है आ, तो यहाँ पे ये फोर हो जाएगा तो ये तो ये भी अपने पास वन हंड्रेड एट आ गया तो ये क्या है यहां पे भी लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस अब फिर ये क्वेश्चन नंबर फाइव दिया हुआ है फाइव में वन टू थ्री फोर फोर क्वेश्चन है तो ये इवेल्यूएट डिटरमिनेंट्स। uh, अब ये अपने पास फोर का वन है जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू दी हुई है थ्री जीरो थ्री और फिर ये माइनस वन जीरो माइनस फाइव फिर ये माइनस टू माइनस वन और ये जीरो ये डिटर्मांट की वैल्यू दी हुई ये दिया हुआ है अब इसमें क्या करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो क्यों क्योंकि इसमें सबसे ये कम एलिमेंट है और ये ज़्यादा एलिमेंट की संख्या क्या है जीरो है तो एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो सेकेंड रो का एक्सपेंड करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनाट को क्या बताया था सॉल्व करने के लिए साइन ये अपन ख्याल रखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर ये प्लस माइनस प्लस ये अपन साइन को ध्यान में रखते हुए ये थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उसको क्या करना है उसको सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो देखो अपन ये क्या कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्सपेंडिंग एलोंग सेकेंड रो सेकेंड रो के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं uh, तो यहाँ सेकेंड रो में क्या है फर्स्ट का माइनस है तो यहाँ पे माइनस ऑफ जीरो और फिर यहाँ क्या करेंगे ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को डिलीट कर देंगे तो अपने पास क्या आ गया फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को डिलीट किया तो यहाँ पे माइनस वन माइनस फाइव फिर ये माइनस टू और जीरो ये एलिमेंट बच गया और फिर यहाँ क्या है ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस और फिर ये वाला एलिमेंट लिखेंगे जीरो और फिर क्या है सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को डिलीट कर देंगे तो अपने पास क्या एलिमेंट बचेगा थ्री थ्री माइनस टू और जीरो ये एलिमेंट बचेगा और फिर यहाँ साइन क्या है माइनस है और फिर यहाँ भी साइन क्या है माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा फिर ये वन एज इट इज रह जाएगा अब क्या करेंगे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ये थ्री थ्री माइनस वन और फिर ये माइनस फाइव अब ये क्या है इसकी वैल्यू जीरो है क्यों जीरो है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में जीरो है फिर इसकी भी वैल्यू जीरो है इसके मल्टीप्लाई में भी जीरो है तो ये जीरो प्लस जीरो और फिर ये प्लस वन और फिर ये माइनस फिफ्टीन uh, और प्लस थ्री तो ये अपने पास क्या आ जाएगा uh, ये माइनस ट्वेल्व तो माइनस ट्वेल्व इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का ये सेकेंड है क्या है थ्री वन टू माइनस फोर और फिर ये वन थ्री फाइव माइनस टू और ये वन है अब इसको भी अपन ये एक्सपेंड करेंगे ये इसको भी ये किसके अलाउंग एक्सपेंड करेंगे आ, ये रो के अलाउंक एक्सपेंड करेंगे आ, तो यहाँ पे ये भी माइनस है वन और फिर ये डिटर्मिनाइट इसको सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट सॉरी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को डिलीट कर देंगे तो ये यह यहाँ पे माइनस फोर थ्री फाइव और वन रह गया और फिर वहाँ पे प्लस है प्लस वन फिर ये सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को डिलीट कर देंगे तो ये थ्री टू फाइव वन ये आ गया और फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस टू हो गया और फिर क्या करेंगे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा एलिमेंट थ्री टू और फिर माइनस फोर और ये थ्री तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या है माइनस वन और फिर ये माइनस फोर और माइनस फिफ्टीन आ गया ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या दिस ये इसका इसका प्रोडक्ट करेंगे माइनस इसका इसका प्रोडक्ट करेंगे और फिर ये प्लस वन और फिर ये थ्री माइनस टेन प्लस टू इंटू नाइन माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये एट हो गया तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस नाइनटीन और फिर ये माइनस सेवन और फिर ये प्लस सेवन ये थर्टी फोर और ये अपने पास इसको सॉल्व किया तो ये अपने पास फोर्टी सिक्स आंसर आ गया फोर्टी सिक्स इज द राइट आंसर अब ये क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड है थर्ड का एलिमेंट क्या है जीरो माइनस वन और फिर ये माइनस टू और फिर इसका सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है वन जीरो थ्री फिर ये टू माइनस थ्री और ये जीरो एलिमेंट है तो अब इसमें क्या करेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो फर्स्ट रो के अलासपेंड करेंगे तो यह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेट है इसको सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ये क्या फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो अपन फर्स्ट रो के साइन को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे ये प्लस जीरो अब ये सेकेंड ऑर्डर है तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे तो यहाँ अपने पास ये जीरो थ्री माइनस थ्री और ये जीरो एलिमेंट आ जाएगा फिर यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस और ये सेकेंड कॉलम ये सेकेंड एलिमेंट क्या है हम um, वन है अब इसको क्या करेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये अपने पास माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और ये ज़ीरो आ गया और फिर यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस देंगे और ये थर्ड एलिमेंट क्या है टू है तो यहाँ से टू लिख देंगे अब ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे माइनस वन माइनस टू ज़ीरो और थ्री ये एलिमेंट आ गया तो ये इसका प्रोडक्ट क्या है जीरो है तो इसकी वैल्यू ये ऑलवेज ज़ीरो होगी और फिर ये माइनस वन और फिर ये क्या है माइनस वन इंटू ज़ीरो तो जीरो आ जाएगा और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया फार्मूले वाला माइनस तो ये माइनस सिक्स uh, हो गया और फिर ये प्लस टू और फिर क्या है ये माइनस थ्री और ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा तो ये माइनस ज़ीरो हो गया तो अब ये क्या है प्लस सिक्स और फिर ये माइनस सिक्स तो ये इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो ये जीरो इज द राइट आंसर अब क्वेश्चन नंबर फोर का फोर है क्या है अपने पास एलिमेंट ये टू जीरो थ्री माइनस वन टू माइनस फाइव फिर ये माइनस टू माइनस वन और ये जीरो ये एलिमेंट है अपने पास इसमें भी फर्स्ट ओके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये प्लस टू और फिर ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो अपने पास ये टू माइनस फाइव और फिर ये माइनस वन और ये जीरो ये एलिमेंट आ गया फिर ये माइनस वो फॉर्मूले वाला और फिर ये माइनस ये प्लस हो गया और वन ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो अपने पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बचेगा तो ये जीरो और ये थ्री माइनस वन और ये जीरो आ गया और फिर ये माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा तो ये टू हो गया इसमें अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे जीरो थ्री टू और माइनस फाइव ये आ गया तो अब ये टू इंटू जीरो माइनस फाइव और प्लस वन इंटू जीरो प्लस थ्री माइनस टू इंटू जीरो माइनस सिक्स अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस टेन प्लस थ्री और ये प्लस ट्वेल्व तो ये क्या गया? आ गया टेन ये फाइव आ गया तो फाइव इज द राइट आंसर अब फिर ये अपने पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है सॉरी इससे पिछले वाला जो था वो फोर का ये वन टू थ्री फोर ये था और फिर ये क्या है अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है अपने पास इफ ए इज इक्वल टू अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू दी हुई है वन टू फाइव वन वन और ये फोर माइनस टू माइनस थ्री और फिर ये माइनस नाइन अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है और क्या बोल रहा है फाइंड डिटर्मिनाट ऑफ ए अब इसका ए का डिटर्मिनाट फाइंड करना है तो इसको डिटर्मिनाट के फॉर्म में लिख देंगे सॉरी हाँ तो ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है और फिर इसको हटा देंगे तो ये अपने पास डिटर्मिनाट का सिंबल हो गया तो अब इसमें भी क्या करना है एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनाट है तो इसको सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वन इसमें क्या है फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये वन और ये फोर माइनस थ्री माइनस नाइन ये आ गया फिर ये माइनस वन इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये टू फाइव माइनस थ्री माइनस नाइन आ गया और फिर ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा टू इंटू अब इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये टू फाइव वन और फोर आ जाएगा तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास वन तो रहेगा और ये माइनस नाइन और प्लस ट्वेल्व फिर ये माइनस वन और फिर ये माइनस एटीन और प्लस फिफ्टीन हो जाएगा फिर ये माइनस टू और ये एट माइनस फाइव हो जाएगा अब यहाँ से क्या है कि ये थ्री और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस थ्री हो गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा तो ये भी जीरो हो गया तो ये जीरो इज राइट आंसर अब इसका वन है ये टू फाइव फोर वन इज इक्वल टू ये टू एक्स सिक्स और फिर यहाँ पे फोर और एक्स इसमें क्या है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये टू माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू और फिर ये टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सिक्स ये हाँ ट्वेंटी फोर तो अब यहां से माइनस एटीन इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर और माइनस ट्वेंटी फोर अब ये क्या है अब इसको इस साइड लाएंगे तो ये टू एक्स स्क्वायर तो इधर लिख दिया और फिर ये क्या है उधर चला जाएगा तो अपने पास आ, क्या होगा आ, ये सिक्स होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री हो गया तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर थ्री इज द राइट आंसर सेकेंड है सेकेंड क्या है टू फोर थ्री फाइव इज इक्वल टू एक्स टू एक्स थ्री और ये फाइव है तो यहाँ भी सेम आ, सेम प्रोसेस करेंगे आ, तो ये टेन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस ये सिक्स एक्स हो गया। तो अब यहाँ से क्या गया? -2 to, minus, minus, cancel, तो 2 हो गया माइनस टू इज इक्वल टू और ये माइनस एक्स माइनस माइनस कैंसिल तो एक्स इज इक्वल टू टू हो गया इज द राइट आंसर अब ये क्वेश्चन नंबर एट है अपने पास क्या बोल रहे है एक्स टीन फिर ये टू एक्स ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और फिर ये सिक्स एटीन टू सिक्स ये दिया हुआ है और क्या बोल इतना इज ये देन एक्स इज इक्वल टू अब यहाँ से भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स ये दिस से दिस कैंसिल तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये प्लस माइनस सिक्स तो अपने पास यहां से बी इज द राइट आंसर हो गया तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना थैंक यू